सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी आफ्टर इफेक्ट क्लास। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सर्कल से एक अच्छी एनिमेशन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले अब आप एक सर्कल बनाएं, उसका शॉर्टकट है क्यू। उससे आप शेप टूल सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन आप उसी से टॉगल भी कर सकते हैं, मींस कि डिफरेंट डिफरेंट शेप में जा सकते हैं क्यू प्रेस करोगे। देन रेक्टेंगल से आप सर्कल में भी आ सकते हैं। अब आपने एक सर्कल को बनाना है, सो आपने ये चीज़ सर्कल बना दिया। अब उसी के अंदर आपको उसी सर्कल को डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी से वो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब आपको इसमें पोजीशनिंग देनी है, एक सर्कल सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाएगा, दूसरा सर्कल सेंटर से राइट की तरफ जाएगा। और यही चीज़ अब आपने मोशन में कर दिया है। अब दोबारा उसको टूवर्ड्स सेंटर की तरफ लेके आ जाओ। अब आपने टूवर्ड्स सेंटर की तरफ लेके आ गए। अब इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, अब की बार जब वो टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा लेफ्ट और राइट की तरफ, तब आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप बनानी है। अब रेक्टेंगल शेप तो आपने बना दी, अब उसमें आप दो सिनेरियो से प्ले कर सकते हो। एक सिनेरियो ये होगा कि आपने उसमें स्केल्स में पोजिशनिंग डाल दी, लाइक कि अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस वाले स्केल में आपने 0 से 100 वाली पोजीशनिंग डाल दी। और सेकंड सिनेरियो होता है मास्किंग का, कि आप शेप लेयर में मास्क करके कर सकते हो। अब आपको ये पता है कि शेप लेयर में मास्क बहुत मुश्किल से होता है, तो मैं इसका भी एक आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप बेसिकली शेप लेयर में मास्क कैसे कर पाओगे, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके आप शेप लेयर में भी मास्क कर सकते हो। ये आपको अमेजिंग लगेगा पार्ट। सो अब आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को ओपन कर सकते हो। अब आपने इतना सिनेरियो कर लिया है, डन, परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, एक सर्कल को बनाना है। आपने एक सर्कल बनाया, जो वर्टिकल पार्ट होता है आपने वहाँ से उसको पूरा स्ट्रेच करा हुआ है, मतलब कि वहाँ से आपने स्केल वाले पार्ट को आपने ज़ीरो करा हुआ है। सो उससे क्या है कि वो उस साइज़ का तो सर्कल हो गया, लेकिन वो उसके अंदर वर्टिकल से ज़ीरो है। अब आपने वहाँ पर की फ्रेमिंग डालनी है 0 से 100 वाली। और एक और चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप ये चीज़ डालोगे तो आपके पास एक और सर्कल होगा जो ब्लैक कलर का सर्कल होगा, जो उसके सेंटर का पार्ट होगा, और दोनों में सेम मोशन रहेगी, दोनों में सेम की फ्रेमिंग रहेगी। उससे क्या है कि आपका ये अच्छा लगेगा। अब आपने इतना सिनेरियो भी कर लिया, अब आपने क्या करना है, जो आउटर वाइट सर्कल है उसको आपको जूम कर देना है या स्केल बढ़ा देनी है। उससे क्या कि आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। अब आप इसी को वाइस वर्सा करके रिपीट कर सकते हैं। ये आपका एक सिनेरियो है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रेजी टॉपिक के साथ। आपको ये सर्कल वाली एनिमेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही मोशन ग्राफिक्स के मैं कुछ ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।